वीडियो के शुरुआत में हम यहाँ पे तारीफ़ करना चाहेंगे ई कार्ट सर्विस की, जो कि बेहतरीन है और हमेशा की तरह इन्होंने टाइम पे पार्सल को डिलीवर कर दिया। और फिर आते हैं फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग पे, तो फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और हमेशा की तरह ये अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो इस बार भी हमने जो मंगाया है यहाँ से वो है वंडरशेफ का टर्बो 12 स्पीड फूड प्रोसेसर। ये वेजिटेबल और फ्रूट चॉपर है जो इस टाइम 800 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। तो फटाफट से हमने इसको अनबॉक्स किया और छोटे से बॉक्स में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता है। जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सब अलग अलग मिलते हैं। तो ये इसमें आपको चॉपर और चॉपर के लिए आपको ब्लेड्स मिलते हैं, विपिंग और बाकी सारे हैंडल्स, जितने जितना कुछ है वो सब अलग अलग मिलता है। तो आपको अपने हिसाब से इसको असेंबल कर लेना है। तो हमने इसको देखा और फिर समझा, थोड़ी देर हमें लगी समझने में। समझने के बाद हमने इसको सेट कर लिया, कैसे क्या यूज़ करना है। एक दो बार वीडियो देख ली, हालांकि जो वीडियोस पढ़ी हैं उससे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट रहा। हाँ, ब्लेड्स काफ़ी शार्प हैं और पोटैटो स्लाइसिंग में काफ़ी इफ़ेक्टिव था ये, बट बाकी सारी चीज़ों में उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। इनफैक्ट जब ये इसे यूज़ किया तो इस पर थोड़े से स्क्रैचेस थे जो हम एक्चुअली कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाए, बट यहाँ पे जब ये डिलीवर हुआ था तभी यहाँ पे स्क्रैचेस मार्क किए थे। बट एनी हाउ, फिर भी हमने इसको यूज़ किया और हमने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था वंडरशेफ से, क्योंकि ये एक अच्छा ब्रांड है। बट अनफॉर्चुनेटली इतना भी ज़्यादा ये कुछ खास निकला नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे हम आपको पिजन या वंडरशेफ का दूसरा जो चॉपर मिलता है जो कम बजट में मिल जाता है वो रिकमेंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्याज को टेस्ट करके देखा और प्याज जब डालने के बाद हमने इसको लॉक करके चलाया तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी और जो इसमें आपकी मतलब ताकत लगती है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से ये जब आप बेस पे रखते हैं तो ये एक जगह इसका सक्शन काम ही नहीं करता है। हालांकि इसमें गारंटी कहा गया है एक नॉन स्लिप बॉडी है, बट नॉन स्लिप तो नहीं है, जिससे बहुत ज़्यादा स्लिप होता है और जिसके लिए आपको इसको बार बार होल्ड करना पड़ता है। चलाते में भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, ये स्मूथ चलता भी नहीं है। इसमें आपको दो गियर्स दिए गए हैं, हालांकि इसमें फोर्थ गियर बोला गया है, बट वो सीधे सीधे ब्लेड्स घुमाते रहते हैं और बड़े बड़े पीसेस ही रह जाते हैं। उसके बाद कई बार हमने 2-3 मिनट तक इसको चलाया, उसके बाद भी हमने ट्राई किया बट ज़्यादा कुछ खास रिज़ल्ट मिला नहीं। हालांकि जो हमारा पहले वाला चॉपर था वो काफ़ी बेहतरीन था और एक ही मिनट में वो उसको हार्डली आधा या एक मिनट लगता है काफ़ी सारी प्याज को चॉप करने में, बट यहाँ पर रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और साथ ही बाकी जो पार्ट्स थे, हमने पोटैटो जो स्लाइस किया वो तो काफ़ी अच्छे स्लाइस हुए, बट एनी हम उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और जब हमने इसको टेस्ट किया यहाँ पे प्याज टमाटर हरे धनिया के साथ, तो ये बहुत ही बेकार काम कर रहा था। सक्शन भी इसका नहीं था और हैंडल भी निकल गया, तो हमें इसे वापस करना पड़ा। अगर आपके में इसकी पता नहीं ये मैन्युफैक्चर डिफेक्ट था या मे बी प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ था, क्या था, हो सकता है ये प्रोडक्ट ही फॉल्टी हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और जहाँ पे हमने खिचड़ी के साथ सोचा था कि फटाफट से सलाद बना लेंगे, बट इसने घंटों ले लिया और सलाद बन भी नहीं पाई। लास्टली हमें छुरी का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज चलाए जा रहे हैं, चलाने के बाद भी वो चॉप नहीं हो रही है। इसका कई जगह पे ये भी नोटिस करने वाली बात है कि ब्लेड्स कहीं पे स्टील लिखा और कहीं पे स्टेनलेस स्टील लिखा है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो फ्लिपकार्ट आप ध्यान से पढ़िएगा, मे बी शायद इसके ब्लेड्स ब्लंट हैं। और फिर हमने इसमें टमाटर हरा धनिया हरी मिर्च ये सब डाल के देखा, जो कि काफ़ी मतलब आसान होता है काटने में, और चॉपर में तो बहुत ही आसानी से कट जाता है, बट यहाँ पे जब हमने इसको यूज़ किया तो बस उसको घुमाता रहा और उसने बस इसके दो बड़े बड़े टुकड़े कर दिए। और टमाटर जैसी चीज़, तो टमाटर तो आसानी से कट जाना चाहिए, वो भी हरा धनिया, वो भी नहीं कटा। तो वंडरशेफ एक अच्छा ब्रांड है, इससे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा थी, बट 800 रुपये के प्राइस में कुछ खास रिज़ल्ट मिला नहीं। और अगर आपने इसको परचेज़ किया, आपके रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, या फिर आपको इसकी क्या चीज़ पसंद है। बेसिकली इसमें बहुत सारे फंक्शंस मेंशन हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि फाइन चॉप कर सकते हैं, स्लाइसिंग है, विपिंग, श्रेडिंग, मिंसिंग, नेडिंग, क्रशिंग, ये सारे ही चीज़ों के लिए बनाया गया था। बट जब हमारा बेसिक काम ही चॉपिंग नहीं हो पा रहा है तो हम बाकी चीज़ें क्या करेंगे। मतलब स्लाइसिंग के लिए तो आप स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेन तो इसका चॉपर ही है, और चॉपर अगर काम नहीं करेगा तो आई डोंट थिंक इसको लेना या रखना एक अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से तो एक टोटली नो है वंडरशेफ का। अभी तक के फ्लिपकार्ट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अच्छे निकले हैं, बट ये वाला कुछ खास निकला नहीं। और
एक बार लास्टली हमने दोबारा से प्याज जो चॉप की थी बड़े बड़े पीसेस में फिर से डाला और उसमें फोर्थ गियर में चलाया, तो यहाँ पे वो बात आई नहीं चॉपिंग में। तो हम इसकी जगह पे रिकमेंड करेंगे, आई बटन पे आपको मिल जाएगा लिंक चॉपर का, पिजन का, बहुत ही बेहतरीन है। 900 ml का वो चॉपर है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो पिजन ब्रांड इंडियन ब्रांड और काफ़ी अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता है, उस पर एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिज़ल्ट क्या है। हमने कई बार ये चलाने पर फंस भी जाता है कई बार, और जो मेहनत लगती है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने में, हालांकि जब आप चॉपर में उसको स्ट्रिंग को घसीटते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको घुमाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है आपकी। तो ये मैकेनिज्म ज़्यादा कुछ समझ तो आया नहीं, बट एनी हाउ इन्होंने बनाया है वॉन्डर शेफ़ ने, तो इन्हें थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना चाहिए नीचे से। प्लस जो इसका सक्शन है वो बहुत ही ख़राब है, ये टेबल पे रखो जैसे भी रखो आप जिस भी तरीके से, ये चिपकता नहीं है और ये बार बार अपने बेस से हिल जाता है, जिसकी वजह से आपको हाथ से प्रेशर लगाना पड़ता है ऊपर ताकि ये अपनी जगह पर स्टेबल रहे। तो इसका ओवरऑल अगर डिज़ाइन की बात करें, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन था, दिखने में ये काफ़ी अच्छा है, डिश वॉशर सेफ भी बनाया गया है। बाकी मटेरियल इसका प्लास्टिक था, तो वैसे तो ठीक ही था, सोच के तो अच्छा लग रहा था कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, बट एनी हाउ बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए हम। और फाइनली हमारी छुरी काम आई, तो ये भी हमने पिजन के ब्रांड से ली थी, पिजन ब्रांड है और काफ़ी अच्छी नाइफ्स हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।